दोस्तों नमस्ते, मैं बोल रही हूँ अनीता की देसी किचन से। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का चिल्ला। आप देखिए सामग्री, यह है प्याज बारीक कटा हुआ, ये हरी मिर्च है, ये लहसुन है बारीक कटा हुआ, ये अदरक है और ये जीरा है, ये टमाटर है, ये धनिया की पत्ती है, ये बेसन है, ये सरसों का तेल है और ये देखिए थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मैं डाल रही हूँ और ये एक चुटकी गरम मसाला, और उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी। ये डाल दी मैंने जीरा, ये है हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और ये मैंने डाल दिया टमाटर, ये धनिया की पत्ती और नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए और अपने स्वाद के अनुसार मिर्ची भी डाल दीजिए। देखिए मैं इसका घोल बनाने जा रही हूँ पानी डाल के, आप अपने हिसाब से पानी डालिए। ये देखिए धीरे धीरे पानी डालिए, एक ही बार में पानी मत डालिए। न बहुत पतला न बहुत गाढ़ा, इसका घोल मीडियम होता है। ये देखिए अब इसका एक घोल बन गया है, अब इसका घोल थोड़ा सा पानी और, थोड़ा मोटा है, थोड़ा सा पानी और, आप एक कटोरी ले लीजिए उसी से अपना पानी थोड़ा थोड़ा डालते रहिए। ये देखिए घोल बन गया। हेलो दोस्तों, अब आप गैस ऑन करिए और फिर इसका तवा रख दीजिए, आपके पास कोई भी तवा हो, और फिर इसके बाद इस पर एक चम्मच तेल डालिए, तेल डाल के फैला दीजिए, तेल डाल के आप फैला दीजिए ऐसे पूरे में, पूरे तवे में फैला दीजिए, पूरे तवे में फैला दीजिए, फिर उसके बाद आप चम्मच से पहले ऐसे मिला लीजिए और फिर उसके बाद इसको तवे पे आप डालिए दो चम्मच, फिर इसको हाथ की मदद से इसको ऐसे ऐसे फैला दीजिए, पूरे तवे पे फैला दीजिए, फिर दो मिनट तक एक तरफ पकाइए। हेलो दोस्तों, फिर इसको पलटे की तरफ से ऐसे पलट दीजिए, एक तरफ देखिए सिक गया, फिर दूसरी तरफ, और उसके बाद गैस का आंच थोड़ा धीमा कर दीजिए, थोड़ा सा धीमा कर दीजिए, मीडियम में धीमी आंच पे इसको थोड़ा पकाइए। हेलो दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया पक गया है, कलर कितना, अब इसको आप क्या करिए प्लेट में निकाल लीजिए। ये देखिए इसके बाद इसको आप चटनी से, मीठी चटनी से, तीखी चटनी से, जिससे इच्छा हो उससे आप इसको खा सकती हैं, बहुत टेस्टी चिल्ला है, एक बार आप खा के देखिए और बना के देखिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए कि आपको और क्या बनवाना है। नमस्ते।